हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। कई समय से आप सब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियोस में कि डॉक्टर साहब, हमें चश्मा हटाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कंट्यूरा टेक्नोलॉजी और सिल्क टेक्नोलॉजी, इन दोनों की मशीनें दिखाइए कि कैसी दिखती हैं इन दोनों टेक्नोलॉजी की लेजर मशीन्स। तो आज मैं आपको दिखा देता हूं दोनों मशीन्स कैसे दिखती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है कंट्यूरा की मशीन। लेकिन ये सिंपल कंट्यूरा वाली मशीन नहीं है, मेजॉरिटी जगह पे सिंपल कंट्यूरा लगा है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है कंट्यूरा का स्वीट, जो स्पेशल तरह की मशीन है, दो मशीन के कॉम्बिनेशन से बनती है और बीच में एक बेड होता है जहां पे पेशेंट लेट सकता है। तो अगर सिंपल कंट्यूरा होता है तो सिर्फ ये मशीन होती है, और कंट्यूरा स्वीट में इस मशीन के साथ एक एडिशनल मशीन को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं सिल्क टेक्नोलॉजी, जो अभी अभी लॉन्च हुई है एक दो महीने पहले। ये आप देख सकते हैं, ये सिल्क की मशीन है। इस तरह के कुछ व्हाइट, ग्रे और बीच में रेड इंसर्ट्स हैं, इस तरह की मशीन देखती है। पेशेंट रेडी है, अभी हम सिल्क ऑपरेशन करने वाले हैं। और ये जो मशीन है, ये है कंट्यूरा वेव लाइट का गोल्ड एडिशन। तो ये एक स्पेशल एडिशन है जो नॉर्मल कंट्यूरा से करीब 1 करोड़ रुपए ज्यादा महंगा आता है, और ये पूरे इंडिया में सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में लगा है। आई एम वेरी प्राउड कि i7 में हमारी ये गोल्ड मशीन अवेलेबल है, एंड पूरे वर्ल्ड में इसकी हार्डली 10 से 15 मशीनें हैं। तो ये एक स्पेशल एडिशन है, गोल्ड एडिशन, जो बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, बहुत ही सिलेक्टिव सेंटर्स में अवेलेबल है। तो ये पूरा जो है हमारा, ये रिफ्रैक्टिव ओटी है। तो यहाँ पे सारे चश्मा हटाने के लेजर प्रोसीजर्स करते हैं। थोड़ा सा और रिफ्रैक्टिव ओटी दिखाता हूं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 TVs लगे हुए हैं, तो तीनों मशीन के लिए एक एक टीवी है जहां पे सारा डिस्प्ले आता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, ये एयर प्योरीफायर है, एक स्पेशल तरह का डिवाइस है जो हवा को बिल्कुल साफ कर देता है, सारे कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देता है। और ये कोई रेगुलर एयर प्योरीफायर नहीं है, ये स्पेशल एयर प्योरीफायर है जो ओटीज में यूज होता है, ये घर वाला एयर प्योरीफायर नहीं है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये डीह्यूमिडिफायर है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव ओटी होता है जहां पे हम लेजर्स करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करा जाता है। हल्का सा भी ये फ्लक्चुएट हुआ और हमारे रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये डीह्यूमिडिफायर है, पीछे की साइड एक ह्यूमिडिफायर भी लगा हुआ है। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी सी मशीन, ये 2 बड़ा सा डब्बा, 3 बड़ा सा डब्बा, ये जो है ये UPS है। तो इन केस सर्जरी के दौरान लाइट चली जाती है तो मशीन नहीं रुकती, क्योंकि सारा UPS से उसका बैकअप होता है। यहां पे आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे ये लगे हुए हैं डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं, ये हमें बताते हैं कि कमरे में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में ऑपरेशन को करा जाता है। ये जो डोर है, ये स्पेशल डोर है जिसको हर्मेटिकली सील्ड डोर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, ये हवा जो है बिल्कुल अंदर ही अंदर रहती है, बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। तो जो अंदर की हवा को हम साफ करते हैं स्पेशल अपने प्योरीफायर से, हम चाहते हैं कि ये हवा यहाँ पे रहे और बाहर की हवा से वो कंटामिनेट ना हो। ये जो आप दीवारें भी देख रहे हैं, ये नॉर्मल दीवारें नहीं है, ये स्पेशल दीवारें हैं, स्मजलेस दीवारें हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो इस पे बैक्टीरिया वगैरह जो है ये स्टिक नहीं करते। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ये भी स्पेशल फ्लोर है, इसको विनाइल फ्लोरिंग कहते हैं। इस विनाइल फ्लोरिंग का फायदा ये होता है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ होता है ये, तो कहीं भी इसमें मट्टी वगैरह इकट्ठी नहीं होती और ओटी की स्टेरिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन्ड रहती है। साथ ही साथ ओटी में जो भी लगा हुआ है, ये सारा स्टील का बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल है, ये टेबल स्टील की टेबल है, क्योंकि स्टील जो है इसको हम अच्छे से साफ कर सकते हैं एंड ओटी में स्टेरिलिटी में हेल्प करता है। कहीं भी ओटी में हम लोग वुडन टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो हर चीज आप देखेंगे, हर चीज जो है ये स्टेनलेस स्टील की बनी है। एसीज जो है, हम हर कॉर्नर पे एक एसी लगाते हैं, एंड जितना रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उस हिसाब से हम एसी को कैलिब्रेट भी करते हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी।
कि रिफ्रैक्टिव ओटी जहां पे चश्मा हटाने की हम लेजर ऑपरेशन करते हैं वो कैसे बनाया जाता है, और जो चश्मा हटाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है कंट्यूरा विजन एंड सिल्क, ये मशीनें कैसी दिखती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो मैं इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी बैक सून।